हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू TH6। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे व्हाट्सएप में शेड्यूल मैसेज सेंड कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स को। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आप बिजी हो लेकिन आपका दोस्त का बर्थडे है और आप सेंड करना चाहते हो आपके दोस्त को मैसेज, बट वो टाइम में बिजी रहते हो तो इसके कारण आप सेंड नहीं कर सकते। बट अगर आप शेड्यूल मैसेज सेंड करते हो तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपको वो जो मैसेज है वो एग्जैक्ट टाइम पर पहुँचा देता है आपको दोस्त को, जो भी टाइम आप शेड्यूल करते हो। तो दोस्तों ये ट्रिक काफ़ी सिंपल एंड ईजी है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का ऑप्शन तुरंत जल्द दीजिएगा। तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में चले जाना है और प्ले स्टोर में जाके आपको सिंपली एक ऐप का नाम सर्च करना है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो ऐप का नाम है दोस्तों स्केडिट, ठीक है, SKEDIT। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका लोगो है, इसका लोगो ऐसा दिखेगा। तो इसे आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद जो भी आगे प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, तो आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए और इसे ओपन कर लीजिए। तो फिर इंस्टॉल होने के बाद जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे साइन इन के लिए पूछेगा। यहाँ पे आप फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हो या फिर आप खुद से जीमेल अकाउंट से भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप फेसबुक से भी ये कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो डायरेक्टली, जो भी फेसबुक आईडी है वहाँ से साइन इन होगा, या फिर आप खुद का जीमेल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हो वहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे टैप करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जीमेल के इस प्रोसेस से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स वो डाल देना है और आपको ईमेल डाल देना है जहाँ पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिससे आप वेरीफाई करना पड़ता है। तो जो भी आपका पासवर्ड है, जो भी डिटेल्स हो, सब यहाँ पे आप भर दीजिए और बनने का सिंपली आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड जाएगा जीमेल पे, आपको सिंपली वो कोड यहाँ पे डाल देना है, वेरीफाई कर देना है। ठीक है ना, तो वेरिफिकेशन कोड जो भी है वो आपके जीमेल में आ जाएगा, जीमेल में ओपन कर लीजिए और वो जो कोड है वो यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए या पेस्ट कर लीजिए या टाइप कर लीजिए और उसके बाद वेरीफाई कर लीजिए। तो जैसे आप वेरिफिकेशन कोड डाल देते हैं जीमेल अकाउंट से तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पे मैं मेनली व्हाट्सएप का यूज़ कर रहा, व्हाट्सएप का मैं आपको डेमो शो करूँगा, आपका ये और भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना, तो सिंपली आपको व्हाट्सएप का ओपन कर लेना और उसके बाद यहाँ पे एक्सेस एक्सेसिबिलिटी का एक परमिशन पूछता है, जो भी ये वाला ऐप है वो आपको व्हाट्सएप का परमिशन लेने के लिए पूछता है। ठीक है, तो सिंपली आपको इसका एनेबल कर देना है। ठीक है ना, तो जैसे आप एनेबल पर क्लिक कर देते हैं ये आपको रिडायरेक्ट करेगा डायरेक्टली और आपको सिंपली वो जो परमिशन है उसे आपको अलाउ कर देना है। ठीक है, एनेबल कर देना है जहाँ पे इसको परमिशन मिल जाएगा। और उसके बाद ये ऐप क्या करता है, ये ऐप को आप परमिशन दे रहे हो ताकि आप ऑटोमेशन प्रोसेस के लिए ऑटोमेटिकली मैसेज करने के लिए आप परमिशन दे रहे हो। तो बस ये इसी के लिए पूछ रहा है और कुछ नहीं है। तो आप सिंपली जो ऐप है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और सिंपली एक्सेसिबिलिटी को ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद सिंपली ओके कर दीजिए और वापस बैक आ जाइए और बैक आने के बाद आप ऐप पे वापस आ जाएंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा, टाइम शेड्यूल जो भी है। तो आप सिंपली आपको सबसे ऊपर ऐड व्हाट्सएप रेसिपिएंट्स करके पूछता है तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप भी सेलेक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप का जो कॉन्टैक्ट है वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप किसी को बर्थडे विशेस करना चाहते हो 12 बजे ऐसे शेड्यूल टाइम पे तो ऑटोमेटिकली ये मैसेज जाने के लिए तो वो वाला कॉन्टैक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मैसेज पे जाना है और मैसेज पे जैसे ही नीचे मैसेज पे जो भी आपको विशेस करना है या फिर कुछ भी मैसेज भेजना है शेड्यूल टाइम पे तो वो मैसेज आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आप वीडियो भी सेंड कर सकते हो, फोटो भी सेंड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट भी सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे मल्टीमीडिया चीज़ यहाँ पे सेंड कर सकते हो। ठीक है ना, जो भी आपके हिसाब से चाहिए वो सब यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नीचे डेट मिल जाएगा, जो भी डेट आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी डेमो के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी का डेट जो है वो 9 अक्टूबर है। तो 9 अक्टूबर में मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो टाइम है फाइनेंस, तो इसी मैं फाइनेंस पे सेट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा ये कैसे काम करता है। ठीक है ना, तो मैं टाइम भी चेंज कर देता हूँ एक बार और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सारे ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएगा मल्टीमीडिया के लिए। और यहाँ पे टाइम सेट कर लेता हूँ 5:12 पे, 5:11 पे कर देता हूँ और 5:11 पे सेट करना है और सिंपली ओके कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा ये कैसे काम करते हैं, ये ऑटोमेटिकली काम करते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको ये कितने बार रिपीटेशन चाहिए, हावरली भी चाहिए या डेली चाहिए, वीकली चाहिए, ऐसे करके दिखाता है। तो इसके हिसाब से भी कर सकते हो, नो रिपीट मतलब ये सिर्फ वन टाइम होगा, वन टाइम के बाद ये बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी वन टाइम ही सेंड होगा, उसके बाद नहीं होगा। और नीचे आपको परमिशन देखने को मिल जाएगा और जैसे ही आप ओके पर डन पर क्लिक करते हैं राइट क्लिक पे तो ये अगर ये स्क्रीन लॉक के लिए पूछेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका जो मोबाइल है वो लॉक है तो वो लॉक अनलॉक करने के लिए बोलेगा, तो ये इसीलिए बोलेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मैसेज भेजेगा, अगर लॉक करेंगे तो आप ये अनलॉक नहीं होगा, तो इसीलिए ये परमिशन पूछता है। तो आप जो स्क्रीन लॉक है वो ऑफ कर दीजिए सिर्फ वो टाइम के लिए, अगर आप
किसी को बर्थडे विशेस करना चाहते हो तो वो टाइम में आप अनलॉक करके रख दीजिए, तो जैसे ही आप सो रहे होंगे या फिर कहीं बिजी रहेंगे तो वो टाइम में ये ऑटोमेटिकली आपका जो मैसेज है डिलीवर कर देगा पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। तो आप वो उसके हिसाब से कर लीजिए, स्क्रीन लॉक को अनलॉक कर दीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे आप प्रोसेस पे कर देंगे आपका जो है वो काम हो जाएगा और यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा दे, अभी तो मैं 5:11 पे सेट किया हूँ टाइम, तो अभी 5:10 है, तो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं 5:11 पे ये ऑटोमेटिकली मैसेज जाने लग जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिखा देता हूँ। जो पेंडिंग में जाएंगे तो जो भी पेंडिंग है वो सब यहाँ पे रहेगा, तो अभी 5:11 जैसे ही होगा ये ऑटोमेटिकली सेंड होगा, आप देख सकते हैं। तो कीपैड में मैं कुछ टाइप नहीं करूँगा, ये ऑटोमेटिकली सेंड होगा। मैं आपको एक और भी डेमो दिखा दूंगा जो कि लाइव डेमो दिखाऊंगा मैं, तो वो भी आगे आपको देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5:11 जैसे ही होगा ये ऑटोमेटिकली सेंड होने लग जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे ऐसे हमेशा अमेजिंग ट्रिक्स के नोटिफिकेशन तुरंत जल्दी आता रहेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 5:11 हो गया, ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होकर ऑटोमेटिकली वो जो कॉन्टैक्ट है वो ऑटोमेटिक सर्च करेगा, अपने आप सर्च करेगा ऑटोमेटिकली और उसके बाद सेलेक्ट करके ये सेंड करने लग जाएगा जो भी मैसेज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैसेज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच हो गया और ये मैसेज पहुँच गया है। तो दोस्तों ये ट्रिक ऐसे काम करता है। मैं आपको एक और लाइव डेमो भी ओपन शो करके दिखा देता हूँ, जो कि आपके सामने दिखा देता हूँ मैं कैसे ये एक और बार काम करता है। तो यहाँ पे मैं दूसरा मैसेज भी सेलेक्ट कर लेता हूँ व्हाट्सएप के लिए, तो मैं वहाँ दिखा देता हूँ आपको ये कैसे काम करता है। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं फिर से एक और डेमो दिखाता हूँ आपको, व्हाट्सएप सिंपल जाना है दोस्तों। ये बाकी जो भी ऐप्स है उसमें भी काम करता है, तो मैं अभी व्हाट्सएप में ही कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे दोस्त है, और यहाँ पे मैं सिंपली एक छोटा सा मैसेज कर देता हूँ, हाई मैन व्हाट्सएप करके मैसेज कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइम भी शेड्यूल कर देता हूँ, जो कि थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, तो मैं आगे टाइम जो है वो स्किप कर दूंगा, ठीक है ना। तो ताकि आपको पता चल जाएगा कैसे काम करेगा, लाइव डेमो दिखाऊंगा। और यहाँ पे आप वापस नो रिपीट जो भी ऑप्शन है वो सब यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, रिपीट कितने बार चाहिए आपको, और टाइम भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कैलेंडर वाइज भी आप डेट सेट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए वो टाइम में आप भूल जाएंगे, बट यहाँ पे आप सेट कर लिए होंगे तो ये मैसेज पहुँच जाएगा, तो ये एक एडवांटेज है। तो यहाँ पे परमिशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, आस्क मी बिफोर सेंडिंग करके, अगर आप वो ऑन करते हो तो ये सबसे पहले आपको पूछेगा, आपको परमिशन पूछेगा कि मैं भेजूँ या ना भेजूँ। अगर आप उस पर एग्री करते हो तो ये पहुँचाएगा, ठीक है। अगर वो ऑफ करते हो तो ये ऑटोमेटिकली सेंड कर देगा वो टाइम पे। तो यहाँ पे मैं जो टाइम है वो सेट कर दिया हूँ, और हम देखते हैं आगे ये कैसे काम करता है, ठीक है। मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक मैसेज का 520 पे किया हूँ, तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ जहाँ पे लाइव डेमो होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लाइव डेमो पे आए, तो यहाँ पे मेरा फ्रेंड का फ़ोन है और लेफ्ट साइड में मेरा फ़ोन है, तो आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। जो भी हमने टाइम सेट किया था वो 520 पे किया था, अभी टाइम 519 हो रहा है, तो आप देख सकते हैं जैसे ही 520 होगा ये कैसे काम करता है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये लाइव डेमो है तो आप देख लीजिए कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 520 जैसे होगा, और यहाँ पे 520 हो गया है, तो हमारा जो टाइम है वो यहाँ पे हो गया है, तो 520 में अभी ये ऑटोमेटिकली वर्क होने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज जो है वो स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सर्च करेगा जो भी आपने कॉन्टैक्ट सर्च किया है, और जो भी कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किया और जो भी मैसेज आपने सेट किया था वो ऑटोमेटिकली 520 जो पर्टिकुलर टाइम है वो टाइम पे ये ऑटोमेटिक सर्च करेगा और ये काम करने लग जाएगा। तो आप स्क्रीन में देख सकते हो यहाँ पे मैं कुछ ऑपरेट नहीं कर रहा, बिल्कुल ऑपरेट नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली अपने आप काम कर रहा है, ठीक है ना। जो भी आपने परमिशन दिया था उसकी वजह से ये अपने आप काम कर रहा है। तो यहाँ पे अभी मेरे फ्रेंड के फ़ोन में भी मैसेज आ जाएगा, जो कि हमने जो भी हमने मैसेज सेट किया था वो अपने फ्रेंड तक पहुंच जाएगा। और यहाँ पे तो अभी स्लो है क्योंकि मेरे फ्रेंड के फ़ोन में नेट काफ़ी थोड़ा सा स्लो है, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैसेज जो है वो पहुंच गया इसके पास भी, और यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ नोटिफिकेशन में और मैसेज में भी ओपन करके दिखा देता हूँ, जो भी हमने भेजा था वो आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि हमने सेंड किया था हाई मैन व्हाट्सअप, जो मैसेज पर्टिकुलर मैसेज हमने सेंड किया था वो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो मैसेज है वो लास्ट में आ गया है, पहुँच गया है। तो दोस्तों ऐसे करके आप अपने फ्रेंड्स को जो भी रिमाइंडर सेट करके ऑटोमेटिकली मैसेज करना चाहते हो तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सही ट्रिक है। तो ये टेस्ट बिल्कुल टेस्टेड एंड वेरीफाइड है, इसे मैंने अच्छे से टेस्ट किया है, तो एक अच्छे से वर्किंग हो रहा है। अगर आप भी यूज़ करना चाहते हो किसी को बर्थडे विशेस करने के लिए टाइम पे सेट करके सेंड करना चाहते हो तो ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सिंपल है। तो इसका इंटरफेस भी बहुत ईजी है,
और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसमें आप ट्रैक कर सकते हो जो भी आपने मैसेज रिमाइंडर किया है वो सब यहाँ पे आपको पेंडिंग में दिख जाएगा, और जो डन हुआ है मतलब जो खत्म हुआ है मतलब जो रीच हो गया है सक्सेसफुल है वो सब आपको डन पे दिख जाएगा, ठीक है। और जो डिसेबल्ड है जो भी है वो आपको इसके हिसाब से मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत जल्दी आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय।